नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ब्लास्ट फर्नेस विभाग में विशेष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। पिछले वित्त वर्ष में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए टाउन इंजीनियरिंग सिविल विभाग द्वारा की गई अनेक पहल। और HRDC में गैस सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। ठेका श्रमिकों को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित करने हेतु ब्लास्ट फर्नेस विभाग में 4 जून को एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री अतनु भौमिक ने समारोह की अध्यक्षता की एवं मेसर्स प्रणव किशोर स्वाई के लांसर श्री राम गुरसुंदी और पोकलीन ऑपरेटर श्री आकाश सिंह को प्रतीक उपहार प्रदान किया। उप महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री AK मिस्त्री, उप महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री सुमित कुमार, उप महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री SK बेहरा, उप प्रबंधक कार्मिक आयरन एवं स्टील श्री SC पंडा, विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री भौमिक ने ठेका श्रमिकों की दृढ़ निष्ठा, प्रतिबद्धता और कठिन परिश्रम की सराहना की एवं दूसरों को उनका अनुकरण करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि ठेका श्रमिकों को BF संख्या 1 धातु धावक में 4 से 5 घंटे तक लगातार सुरक्षित रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य गर्म धातु के प्रवाह के लिए मार्ग पारित करना था, जिससे BF संख्या 1 में धातु ओवरफ्लो होने से बच जाए। स्टीमर प्लेट के पास स्लैग क्लॉगिंग के कारण मेटल अलगाव में रुकावट आ गई थी। कनिष्ठ प्रबंधक कार्मिक आयरन एवं पावर श्री S बहेरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस्पात टाउनशिप में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से टाउन इंजीनियरिंग सिविल विभाग द्वारा कई पहलें की जा रही हैं। उड़ीसा में पहली बार सड़क निर्माण के लिए अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करके विभाग ने पिछले वित्त वर्ष में राउरकेला क्लब से लेकर सेक्टर 2 चौक के बीच 1 किलोमीटर की सड़क का विस्तार किया था। कोलटार में मिश्रित कटा हुआ अपशिष्ट प्लास्टिक सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। बारिश के पानी से पुनः उपयोग में लाने के लिए 7 वर्षा जल संचयन रिचार्ज गड्ढे अलग अलग स्थानों में खोले गए हैं। टाउनशिप के भीतर 38.57 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत और पुनः स्थापना की गई है। आम जनता और सब्जी विक्रेताओं के सुविधाओं के लिए सार्वजनिक सुविधा के साथ खुले बाजार में प्लेटफॉर्म का निर्माण फर्टिलाइजर टाउनशिप सेक्टर 22 में किया गया। राउरकेला रेलवे स्टेशन के लिए दूसरा शानदार प्रवेश द्वार गोपाल बंधुपाली टिम्बर कॉलोनी के पास बनाया गया। चित्ताकार से गेट RCC नींव के 7 स्तंभों के पाइप के साथ सहयोग करता है। RCC कॉलम क्षेत्रों पर सुंदर टाइलिंग काम भी किया गया है। शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कॉल सेंटर आधारित शिकायत पंजीकरण और प्रबंधन प्रणाली स्टील टाउनशिप में प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ शिकायत कॉल सेंटर सेवा प्रदाता द्वारा संचालित अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। इन सभी पहलों के साथ टाउन इंजीनियरिंग सिविल विभाग टाउनशिप निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी प्रयास किया जा रहा है। इस्पात उद्योग में गैस सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस्पात के निर्माण और गठन में कई खतरनाक गैसें उत्पन्न होती हैं और उत्सर्जित की जाती हैं। प्लांट में गैसों द्वारा उत्पन्न अदृश्य खतरों को कम करने और चोट शून्य एवं बीमारी मुक्त कार्य वातावरण तैयार करने हेतु गैस सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत 5 और 6 जून को HRDC में गैस सुरक्षा पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। S1 से S11 ग्रेड के कुल 17 कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में गैस पाइपलाइनों से गैस प्रणव क्षेत्र के अनुरक्षण प्रक्रियाओं में ऊंचाई पर कार्य करते समय गैस खतरों, उनकी पहचान और नियंत्रण, सुरक्षित कार्य प्रणालियों, भट्टियों को चालू करने और बंद करने के लिए सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाने, वाटर सील संचालनों तथा सुरक्षा सावधानियों,
गैस सुरक्षा उपकरणों से सुरक्षित उपयोगों, ईंधन गैस उत्पादन, वितरण और सफाई विधियों और गैस सुरक्षा उपकरणों और उनके उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऊर्जा प्रबंधन विभाग के विशेषज्ञ संकाय द्वारा सत्रों का आयोजन किया गया। प्रबंधक ईएमडी श्री एस के आचार्य और सहायक प्रबंधक एचआरडी श्री एल मरांडी द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन किया गया। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। नमस्कार।